पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मसूरी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पा पडियार के नेतृत्व में महिलाओं ने मसूरी में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। इस रक्षाबंधन कार्यक्रम के मौके पर भाजपा की महिलाओं ने पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधकर तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मंगल आरती कर मिठाई खिलाई। वहीं पुलिसकर्मियों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर एसआई विनय शर्मा ने रक्षाबंधन को भाई बहन का पवित्र त्योहार बताते हुए कहा कि यह भाई बहन के प्रेम बंधन का प्रतीक है। मसूरी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुष्पा पडियार ने कहा कि भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर सुरक्षा धागा बांधा और उनका मुंह मीठा करवाया। पुष्पा पडियार ने कहा कि हमारे पुलिस भाई 24 घंटे ड्यूटी कर हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे धूप हो या बरसात, दिन हो या रात। मंडल अध्यक्ष बबीता सेठी ने कहा कि दिन रात हमारी रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सूत्र बांधकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह सूत्र किसी की रक्षात्मक जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। आवाज इंडिया के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। Thank you.